दोस्तों मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों सीटेट की 2019 का आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 5 मार्च तक चलेगी और 7 जुलाई को परीक्षा तिथि भी निश्चित है पहले से ही। तो आप सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान है। ज़्यादातर अभ्यर्थी मेरे पास कॉल मैसेज कर रहे हैं कि क्या सेकेंड सेमेस्टर इस बार वैलिड है या नहीं। तो मैं एक लाइन में ये बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर आप निर्णय लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। देखिए इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि वैलिड होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा समस्या ये कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और बेहतर लगे तो अपने सभी साथियों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके कई अनसुलझे सवाल का जवाब हो। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक ट्रेन में सफर कर रहा था, तो अचानक ये अनाउंस होता है कि जहाज क्रैश होने वाला है। यह सुनकर बहुत सारे जो यात्री होते हैं वो भगवान को याद करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं, क्या ये कंडीशन हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि मौत सामने खड़ी हो। उसी बीच एक व्यक्ति बैठ के अपना काम कर रहा था लैपटॉप पे, तो कुछ लोग सराहने गया, कहें भैया जी आपने शायद सुना नहीं प्लेन क्रैश होने वाला है, आप काम कर रहे हो, भगवान को याद करो शायद बच जाए। वो अपना काम करता रहा, बस्ती बड़ा अच्छा लगा। कुछ दवा फिर उन्होंने टोका कि भैया ये बताइए प्लेन क्रैश होने वाला, आप क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सुना कर दिया, अपना काम पे लगा रहा। लास्ट में लोग झल्ला गए, उसे कहा यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जहाज क्रैश होने वाला है, हम सब मर सकते हैं यार, तुम भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो शायद ऐसी घटना ना घटे। तो बंदा अपना लैपटॉप बगल के खड़ा हुआ और बड़े प्यार से जवाब दिया कि देखिए भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी आप लोग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन अगर मैं अपना काम जो कर रहा था ये काम छोड़ दिया, छोड़कर आपकी तरह प्रेयर करता और जहाज क्रैश ना होता तो क्या होता। कहा कुछ नहीं होता। कहा नहीं, ये मेरा काम छोड़ गया था जो मैंने अभी तक किया, लेकिन अगर क्रैश हो गया तो मेरा करना न करना दोनों गया। अगर मैं यह सोच लिया कि नहीं जहाज क्रैश हो जाएगा तो इतने देर में जो मैंने अपना काम कंप्लीट किया यह काम मेरा अधूरा रह जाता और यह काम मेरा छूट जाता, इसलिए मुझे अपना काम करना है और कर्म मुझे करना है और उसका प्रतिफल क्या होगा यह भगवान स्वयं निश्चित कर सकता है या मेरे कर्म पर डिपेंड करता है, इसलिए मुझे अपना काम करना चाहिए और होना ना होना वो प्रकृति के ऊपर है। और फिर अनाउंस होती है कि जहाज को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है, सभी लोग उस व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं। उस दिन एक सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, फल मिले या ना मिले, उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो या ना हो यह अलग की बात है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी का बेस्ट देना चाहिए। इससे एक छोटी सी सीख और मिलती है। दरअसल अब कहेंगे सर कहानी समय क्या समझ में आया, देखिए छोटी सी और मिलती है, जैसे ये शायद ग्लास में पानी दिख रहा होगा आपको, अगर मैं ये पूछूं इसमें पानी कितना है तो दो जवाब आएगा। पहला जवाब कि ये आधा ग्लास पानी है, आधा ज्यादा कम होगा लेकिन लोग क्या कहेंगे ये आधा ग्लास है, लेकिन एक तरीके से और देखा जाए तो ये आधा खाली है और कहेंगे आधा भरा है। दोनों के जवाब में क्या कोई अंतर है, क्या हम कुछ कह सकते इस ग्लास में आधा भरा और आधा खाली है। लेकिन जी इस जवाब में बहुत बड़ा अंतर छुपा हुआ है, वो ये है कि आपकी सोच पॉजिटिव है या निगेटिव, आप नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक। आधा गिलास भरा ये बात को बताता है आपकी सोच सकारात्मक है, और आधा गिलास खाली का मतलब आपकी सोच नकारात्मक है। दोनों के अर्थ एक है लेकिन सोचने का तरीका अलग है, इसलिए आप सभी साथी इस बात को छोड़ दीजिए वैलिड होगा या नहीं, आप परीक्षा दीजिए। इससे दो बातें हैं, अगर वैलिड नहीं होता है तो क्या आपको इससे कोई नुकसान होगा, जी नहीं, आपको एक नया तजुर्बा मिलेगा, एक नया अनुभव मिलेगा और आप क्वालिफाई रहते हैं और मुझे पता है क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट पास करना बेहद आसान है, तो क्वालिफाई हो जाएंगे, एक आत्मबल मिलता है आगामी परीक्षा के लिए, आप कुछ बेहतर करने की एक जुनून से आपके अंदर आएगा और आप खुद से यह कह पाएंगे कि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, बेशक मान नहीं हुआ तो अगली बार इतनी दुगनी जुनून के साथ आप तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे कि अगली बार उससे ज्यादा मार्क्स अर्जित करेंगे। उसके बाद यूपीटेट सीटेट इस क्रम में आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप यूपीटेट की जगह सीटेट क्वालिफाई हो पूरे देश के लिए मान्य है, 7 वर्षों के लिए मान्य है, जबकि यूपीटेट 5 वर्षों के लिए, अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिए यूपीटेट की कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक बेहतर रणनीति के साथ साथ पहले इस बात को छोड़ दीजिए, होना क्या है, होना जो भविष्य की गर्त में, इस समय आपका जो एम है, जो फोकस है, वह तैयारी होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये ज्यादा मायने रखती है। और कहां से पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं, आप मैं अभ्यर्थी रहा हूं सीटेट का, मैंने दिया भी है और मेरे द्वारा जुड़े हुए व्यक्ति
लगभग 90% ज्यादा लोग सफल भी हुए हैं, शायद अगर आप नहीं जानते तो जो मुझसे जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो सीटेट और रिपीटेड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, सीटेट पास करना बेहद आसान है, आप थोड़ी सी मेहनत करें तो सीटेट आसानी से पास कर सकते हैं। पहले क्या था, रिपीटेड कैसे पास होगा, अब सीटेट कैसे पास होगा। आप एक अध्यापक मान लीजिए और बालक मान लीजिए कैसे विद्यालय में पढ़ाना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह सभी बाल केंद्रित होते हैं, सभी बाल केंद्रित। तो आप सभी, आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद में कोई वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, फिर मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। और मेरी गारंटी है अगर आपने उसे फॉलो किया आप 100% सीटेट पहली बार में क्वालिफाई हो जाएंगे, पहली बार में। यह कोई ऐसा नहीं कि जुमला है, यह हकीकत है, और आप मेरी बात को समझिएगा और पेपर बगल में रखिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा दुर्गेश सर आप सही कह रहे थे अथवा नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, ये नहीं है कि वास्तविकता यह है कि सीटेट आप घर से क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। हाँ, अगर आपको फिर भी कोचिंग जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए आपको विकल्प दूंगा, लेकिन आप बिना कोचिंग गए थोड़ा सा दिमाग अपने इस्तेमाल करेंगे और आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी साथी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रज्जत सिंह, राहुल यादव, मयंक जी, इन सबके संपर्क में आ जाइए, वो लोग आपको बेहतर इसके बारे में बताएंगे कब क्या रणनीति होगी, या उनके द्वारा मुझे अगर ज्ञात होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। राम योगी जो भी हैं आपके डेलर के, आप उनसे जुड़े होंगे तो उनसे आप जुड़े, उनसे आपको खबर मिल जाएगी, फिर उसके आधार पर वो अगर वो किसी तरह दबाव बना के रिजल्ट भी ला लेते हैं तो अगर वैलिड हो गया, अगर हो सके आपका सीटेट वैलिड हो गया, आप इस धुन में रहे वैलिड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट में परिणाम क्या मिलेगा कि आप घर से भी धन से भी गए, वही होता है ना कि दोनों तरह से आप चले गए। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी पूरे पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, कम से कम अगर वैलिड नहीं होता तो आपको अपने आप को परखने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। मतलब ये ऐसा चांस ऐसा नहीं है, इसके पहले जो 15 बैच की वैकेंसी थी उसके सामने क्या था, आपके सामने 4 सेमेस्टर बैक लगा भर्ती से बाहर, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, कि सेमीफाइनल क्या, टेट, टेट से बाहर, भर्ती से बाहर, सुपर टेट, फाइनल में गए, हार गए, बाहर। माने अगर कोई भी मैच अगर आप हारते तो सीधा सीधा बत्ती पे कैसे बाहर थे, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप अगर इस टेट में नहीं हो पाते यूपी टेट, सी टेट में, आगे यूपी टेट है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप अगर नहीं क्वालिफाई हो पाते तो अपने आप को आयोग के समक्ष जांचने का एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसके बाद आगामी मौका आपके लिए यूपी टेट के दरवाजे खुले रहेंगे और आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल इससे ज्यादा दोगुना रहेगा। किसके लिए, क्योंकि आपको एक पेपर देने का एक बड़ा अनुभव रहेगा। इसलिए आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फॉर्म भरिए और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, और जरूरी है कि सफलता असफलता से आपका आत्मबल, आपका जो दिल दिमाग बहुत ज्यादा कंट्रोल में होगा। और मैं ये जानता हूं, मैं एक अभ्यर्थी हूं और इस बात को मैं भली बात समझता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी वो सारे इस बात को लेकर परेशान, इस तरह से कमेंट करेंगे, लेकिन यह वास्तविकता है कि जो भी टेट क्वालिफाई हो आपके सीनियर उनसे पूछिएगा क्या किसी भी किताब, बहुत सारी किताब मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्या उनसे, क्या सीटेट में क्वेश्चन कोई ऐसा मैच करता है। अगर आपको उनकी बात विश्वास ना हो, आप खुद 5 वर्षों के पेपर रखिए और मार्केट जितने भी किताबें हैं प्रैक्टिस सेट उनको रख दीजिए, यहां तक कि जो कोचिंग नोट सीटेट के पढ़ाते हैं उनको रख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। ये हकीकत क्या है, मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, मेरे यहाँ भी कोचिंग चलती है, मेरे भाई साहब चलाते हैं, मेरे यहाँ भी नोट्स है, लेकिन मैं बता के देता हूं अभ्यर्थी को, देखिए आपको अगर समझ विकसित करना है तो नोट्स ले जाइए, क्योंकि सीटेट पास करना आपके ऊपर। हाँ, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूं कि इस तरह से चलेंगे 100+ आप आसानी से रहेंगे 120+। कारण क्या है उसका, क्योंकि सीटेट में रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे तो सीटेट पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यू तो यूपीटेट के लिए ना भैया, सुपरटेट के लिए ना है, यूसीटेट के लिए बस एक कुशल अध्यापक और एनसीएफ 2005 के आधार पर जितने भी कार्य प्रणाली होती है उस आधार पर अगर आप चलेंगे तो बिना पढ़े आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, बस वही है। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ी सी गाइडेंस जरूरत है तो फिर आप, अगर आपको लगता है मैं बेहतर विकल्प हूं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी विकल्प हो, जो आपके नजदीक हो, जो भी कोचिंग संस्थान हो, लेकिन हाँ एक बात है कि जो कोचिंग संस्थान में एक कमी आपको मिल जाती है कि जो SSC पढ़ाते थे, रेलवे पढ़ाते थे, बैंकिंग पढ़ाते थे, लेखपाल पढ़ाते थे, वही व्यक्ति आते हैं मैथ सीटेट के मैथ पढ़ाते हैं, मतलब जो टीचर कभी सीटेट दिए नहीं है वो सीटेट का पढ़ाते हैं, तो आप सोचिए वो क्या पढ़ाएंगे, और वो जो पढ़ाएं और आप पेपर उठा के देख लीजिए बड़ा सा अंतर मिल जाता है। अरे भैया पढ़ाते क्या है, पूछता क्या है। हाँ, यूपीटेट का लोग पढ़ा के सीटेट का नाम करते हैं, ऐसा नहीं, हो सकता मैं भी गलत हूं, लेकिन यह आप सोचिएगा, आप देखिएगा, आप पेपर रखिएगा, लोगों के नोट्स रखिएगा, लोगों की जो पढ़ाए गए हैं, सब कोचिंग की बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे भी ऐसा होता हो, लेकिन लेकिन
आप एक समझदार हैं, आप ग्रेजुएट हैं और डेली आप टीसी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सोचने समझने की, तो खुद से सोचिएगा, पेपर रखिएगा, उसका विश्लेषण करिएगा, फिर आप अपने निष्कर्ष पूछिएगा कि ये प्रश्न के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे। जब आपको यह तलाश पूरी हो जाएगी तब उस दिन आप अपने आप में सीटेट क्वालिफाई होने का महसूस करेंगे। हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस सेट सबसे जरूरी होती है और मार्केट के जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उनका सीटेट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए मैं आप सभी के लिए, मैं सीटेट के पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट के लिए किताब लिखवाने के लिए आज से बीड़ा उठा लिया। उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही हैं वो ज्योति मैम, उनकी वीडियोज पड़ी होंगी, वो इस बार JRF हो गई हैं, लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था बीच में, तो सुपर टेट के पहले, तो उस वजह से वो नहीं कर पाई थी, लेकिन वो आपके लिए पूरा एकदम सीटेट के पैटर्न पे कई किताबों का विश्लेषण करके उनके साथ दो और डॉक्टर, तीन लोग मिलकर यह काम कर रहे हैं और वह आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो सीटेट के पूरा पैटर्न पे, ताकि वो भारत की एक ऐसी किताब बने जिससे आप भी और हम भी गर्व से कह सके कि नहीं, ये वास्तव में पूरा सीटेट को फॉलो करती है। और जितने भी मार्केट में किताबें हैं उसको रख दीजिए, पिछले 5 साल के पेपर रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, और जो क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं उनके विकल्प गलत रहते हैं, माने वो प्रश्न क्या दिए हैं, जैसे कुछ किताबें ऐसी आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो सीटेट के पुराने क्वेश्चन को तो सॉल्व किए हैं, उसके आंसर किए, उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसके उत्तर उन्होंने गलत दिए हैं, और जो उस तरह से पढ़कर जाते हैं तो परीक्षा में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, मार्क्स कम में गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप सभी साथी जुगने दोस्त जोश के साथ आइएगा, किसके लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट है, आपके अंदर स्टेमिना है, वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुपर टेट भी पढ़िए, क्योंकि यूपी टेट सीटेट पास करने के बाद जो सबसे ज्यादा लड़ाई आगे होने वाली है वो सुपर टेट के लिए की होगी, इसलिए आपकी जो रणनीति होगी, जो पढ़ाई होगी, वो सुपर टेट के ही दृष्टिकोण से करिएगा, ताकि आप जो भी मेहनत करें उसके सापेक्ष मेहनत हो और अगली बार आपको सुपर टेट में उतनी मेहनत कम करनी पड़े। इसलिए अगर आप मुझसे जुड़कर पढ़ेंगे तो मुझे ये पता है कि मैंने सीटेट में क्या पढ़ा है, यूपी टेट में क्या पढ़ाया, सुपर टेट में क्या पढ़ाया, क्योंकि अगर आप नहीं देखा जाएंगे तो जैसे सीटेट किया तो पूरी चीज शुरू से जीरो से पढ़ा, फिर यूपी टेट जीरो से पढ़ा, फिर लिखित फिर जीरो से पढ़ा, इस तरह आपको हर बार 150 नंबर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाएंगे, मुझे ये पता है मैंने ये चीजें पढ़ा दी है, ये टेट में नहीं पढ़ानी है और ये सुपर टेट में पढ़ानी है, इससे क्या होगा, आप कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें पढ़ पाएंगे और बिना काम की चीजें आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। और सीटेट के लिए इस वीडियो लिंक में आप देख लीजिएगा, ज्योति मैम की वीडियोज पड़ी है, आप उसे देख लीजिएगा, वह आपके लिए एक रामबाड़ा काम करेगा। और हाँ, NCF 2005 को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, भली बात समझ लीजिएगा, अगली बार हम आएंगे वीडियो में तो आपको यह बताएंगे आपके लिए सबसे अच्छी किताब इस समय मार्केट में कौन है जिससे आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आप सभी साथी घबराए नहीं, पढ़ते रहें, होना ना होना प्रकृति के ऊपर है, अनुभव मिलता, अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कारण क्या है कि ज्ञान के बाद बिना अनुभव के ज्ञान बेकार है। जैसे अगर इतिहास से पढ़ना है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़िएगा, वह वास्तव में कागजी बुद्धिमान तो था लेकिन तो व्यवहारिक बुद्धिमान न होने की वजह से क्या क्या घटनाएं घटी, साथ सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में था और क्वेश्चन भी आया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के उन योजनाओं के नाम लिखे और उनके परिणाम, तो 3-4 योजनाएं थी, राजधानी परिवर्तन, द्वाब कर वृद्धि और सैनिकों के अग्रणी वेतन, तो ये 3 ऐसे उसके थे, और मुद्रा का विमुद्रीकरण मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये सारी चीजें थी। आज वही योजना 2 साल बाद कारगर उस समय नहीं हुई, तो बस यही कारण था। तो आप भी इसे समझिएगा और बेहतर पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा, एक बार आप पुराने पेपर को देख लीजिएगा, अगर पेपर ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम उसमें सर्च करिएगा दुर्गेश सर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीजें मिल जाएंगी, सर्च करना है दुर्गेश सर, DURGESHSIR, आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पे आएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद आपको पूरी स्टडी मटेरियल वहां मिल जाएगी, और साथ ही फेसबुक पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश आप सर्च करके आप उसे पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको केवल महत्वपूर्ण चीजें मिलेगी और वहां से आप शेयर कर दीजिएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसके अलावा आपको मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा लगता है तब, लेकिन आवश्यकता यह है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो 6306344367 इस पे ज्वाइन सीटेट लिख दीजिएगा, ज्वाइन सीटेट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, आपको उसके विषय मिल जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया आपको 11 फरवरी से प्रारंभ होगी, क्योंकि हमारी जो नई क्लासेस चलेगी ऑनलाइन वो 11 तारीख से चलेंगी, उसके पहले भी नहीं चलेगी। तब तक के लिए आप सभी लोग पूरी तरह से अपने आप में, अपने आप से
स्वयं से यह सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि वास्तविकता में पढ़ना आपको होता है, किसी व्यक्ति से किसी संस्थान से बस आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, वास्तव मेहनत आपको एक अभ्यर्थी को करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी रहा हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और कमेंट भी कर दिए थे कि अरे खुद टेट नहीं पास है तो मैं टेट, सुपर टेट, सीटेट दोनों फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई हूँ, और आप सब ने चाहा तो आप सबकी दुआ रही तो मैं सहायक अध्यापक भी हो जाऊंगा, अगर सब कुछ बेहतर रहा तो। नहीं भी हुआ तब भी होने के बाद भी मैं आपकी सेवा करता रहूंगा कि समाज सेवा करता रहूँगा, क्योंकि फिर ये बागडोर हमारे भाई साहब जिनकी है वो चलाएंगे, और हम आपको उसी तरह से जिस तरह से मदद करते हैं उस तरह मैं विद्यालय में पढ़ाने के बाद पूरी ईमानदारी से और आपको भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि रात अपनी होती है, ड्यूटी के बाद हम समाज सेवा कर सकते हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि शिक्षा देना वर्जित है, इसलिए मैं आपको शिक्षा देता रहूंगा जो मुझे है। पता नहीं कहने के लिए कोई कुछ भी कुछ कहते हैं, मेरा लोअर की भी बैच शुरू हो गई है, अगर आप चाहें या आपको इच्छुक हो तो लोअर पीसीएस एक फायदा है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, चार भर्तियां एकदम क्रम से आने वाली है और एक का विज्ञापन आ चुका है, तीन के भी बाकी है, क्योंकि 2019 का अपर पीसीएस समीक्षा अधिकारी को 17-18 फरवरी को मेंस है, उसके बाद उसकी भी विज्ञप्ति आ जाएगी। तो एक के बाद एक कहीं अगर एक हल्की गलती हुई तो अगले सुधारेंगे, अंतोगत हम क्या सकते हैं, कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। इसलिए आप सभी जो ग्रेजुएट हो, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और दोनों पढ़ाने के अध्यापक अलग अलग, ऐसा नहीं एक ही अध्यापक सब पढ़ाएंगे। हाँ, केवल मैं अपना सब्जेक्ट जो है जो मेरी दोनों जगह बेहतर है वही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी के लिए सब अलग अलग है। और आप सभी लोग ये छोड़ दीजिए होना क्या है क्या नहीं होगा, बस ईमानदारी से पढ़िए, कब तक सफलता दूर रहेगी, और आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इस मौके को मत जाने दीजिएगा और फॉर्म अप्लाई करिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा और आप सफल हो सकेंगे, क्योंकि मेरी गारंटी है कि वास्तव में आप 45 दिन पढ़कर सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप क्वालिफाई होंगे और आप अगली बार कहेंगे सर आपने सही कहा था, क्योंकि सीटेट केवल समझना है पढ़ना नहीं, और समझना कैसे हो मैं बताऊंगा, मेरी पूरी टीम बताएगी, और आपके लिए मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूं, बस आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए उम्मीदें हैं और आप अपने लिए भी उम्मीद है, और आज के समय में उम्मीद सबसे बड़ी किरण है, इसलिए आप अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करके तब जाके आपको डेल्लड है बीटीसी, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कितना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लगता है उसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप से हमने समझौता तो कर लिया लेकिन अपने आप को धोखा देने के बराबर। इसलिए आप सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए और पढ़िए, क्योंकि यही पढ़ा आपके भविष्य में काम देगा, क्योंकि यहाँ चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट में नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो मैं भी बाद में क्रमिक रूप से बताऊंगा क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पढ़ने बाद वहाँ को नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बस यही है कि अपने माँ बाप के और अपने पैसे का, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बहुत सारी समस्या होंगी, तो मैंने भी सोचा है कि जो अभ्यर्थी गरीब अभ्यर्थी होंगे या जो विकलांग अभ्यर्थी होंगे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं पूरी तरह से निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, अब लोग कहेंगे निःशुल्क कराएंगे तो कहाँ सर एडजस्ट होगा, तो बस कुछ लोग पेड़ हैं कुछ लोग निःशुल्क कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और है, मैं आप लोग को क्योंकि देखिए मैंने पिछले भी बार बार मैंने ये किया है समाज सेवा की, लेकिन जब लोग बातें आती है तो सभी कहते हैं मैं गरीब हूँ, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं उन वास्तव में जिनको मैं लाभ देना चाहता हूँ वो उससे वंचित हो जाते हैं, फिर बाद में मुझे ये कहना पड़ जाता है भैया हम ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब गरीब हो जाएंगे तो फिर संस्था कैसे चल पाएगी, क्योंकि मैं ठीक है मैं पैसा कैसे पढ़ा, तो इन और जो स्टाफ हैं और जो लोग हैं उन तक भी समस्या हो जाती है। हाँ, लेकिन वास्तव में क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी व्यक्ति का पैसे के नाते या आर्थिक कारण वजह से उसकी पढ़ाई रुके, अगर उसने सोचा है तो उस जरूर कामयाब होगा, अगर हो सकता है मेरी थोड़ी सी मदद से किसी की जिंदगी बन जाती है तो मैं ऐसी चीजें आपके लिए कुर्बान करूंगा। और अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी हो, किसी धर्म, जाति, वर्ग, समूह, किसी से भी हो, यदि वो आर्थिक रूप से अगर उनकी समस्या है तो मैं जरूर की मदद करूंगा, और मैंने पीछे मदद की है, लेकिन नाम लेना नहीं चाहूंगा, नहीं मदद का मतलब क्या रह गया, लेकिन मुझे कहना इसलिए पड़ गया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पैसे गिनाते नहीं पड़ते होंगे, उनको लगता होगा और वास्तव में उनके अंदर वो स्टेमिना होती है, वो जुनून होती है, वो पैशन होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनको 12 घंटे पढ़ने के लिए तो 12 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे लड़के जो सफल होते हैं तो जरूरी नहीं आप भी सफल होंगे, लेकिन उनके पास दुगनी जुनून होती है क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं वो, लेकिन उनके माँ बाप और वो कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि बेचारे चाह कर भी नहीं कर पाते, तो ऐसे के लिए मैं यहां पूरी तरह स्वागत है, आप आइए और आपका हम स्वागत करते हैं और आपको एक अध्यापक बनाकर छोड़ेंगे, मेरा उद्देश्य है आप अध्यापक बन जाइएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ आपका नहीं चाहिए, बस जो सम्मान है वो सम्मान करिएगा, वो बहुत वास्तव में आप सब बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, जो कमेंट वगैरह करते हैं मुझे पता है कुछ सब कोचिंग वाले जो लोग हैं मतलब पता नहीं क्या लगता है उनको,
अवस्था करते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो मुझे निरंकुश होने से बचाते हैं, वो मुझे बीच बीच में टोकते रहते हैं क्योंकि वो उनके माँ बाप की और उनके परिवार का, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे, जब आप सीटेट पढ़ेंगे तो सृजनात्मक बालक पढ़ेंगे, फिर देखेंगे डीएनए के आधार पर, तो जो बालक होते हैं अपने माँ बाप के आधार पर होते हैं। ये सोचिए अगर अध्यापक बनने जा रहे इस तरह की बात करेंगे तो आप खुद से फील करिए, अगर आपको उस तरह से कोई कहे कैसा लगेगा। तो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हो, उसकी गरिमा बरकरार रखिएगा, और आपके माँ बाप ने भी कुछ सोचा होगा, तो आप इस तरह से बात लिखते हैं तो कभी अपने माँ बाप को सोचिए, अगर उन तक ये पहुंचेगा वो देखेंगे, या आपके लड़के इस तरह से करेंगे आपके लिए कोई करेगा तो कैसा लगेगा, आप मुझे कुछ नहीं देते, तो फिर इस तरह से बोलना आपका दायित्व नहीं, फिर भी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उतने तक जहां तक किसी स्वतंत्रता बाधित ना हो। मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन तो फिर आप में मुझे फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए निचता करना बेहतर नहीं है, आप अध्यापक हैं, अध्यापक गरिमा बरकरार रखिए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, चाहे जो भी हो मेरे विषय में कोई क्या सोचता है मैं आने नहीं रखता, लेकिन मैं इस ओर से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान आप सभी सफल हो, मेहनत करें, और हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो, चाहे जो हो, चाहे जिस परिवार, जिस वर्ग, जिस मजहब, जिस धर्म का हो, क्योंकि मेहनत जो करता है उसे सफल होना चाहिए। क्योंकि आज मैं कड़ी मेहनत करके 12-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाया हूँ, और रात में पढ़ता हूँ, दिन में पढ़ाता हूँ, 2-2 बजे मैंने वीडियोज बनाई है, और अभी भी बनाना है क्योंकि लोअर का आ गया है, फिर सीटेट आ गया है, तो मुझे रात दिन एक करके आपके लिए पढ़ के वीडियोज देना होगा। तो फिर मेरी पूरी टीम, जो पूरी टीम है, वो आपके लिए सदैव मेहनत करती रहेगी, बस आप पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि यह पढ़ा आपका बाहर नहीं जाएगा, और फालतू के अफवाहों के चक्कर ना पड़े, होना ना होना वो बात की विषय है, लेकिन सबसे पहले अभी जो है वो आपको अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है, तो लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, तब तक आप बीटीसी के जो थॉट्स वगैरह हैं उसको पढ़ लीजिए, फिर बाकी अगले वीडियो में आएंगे, हम बताएंगे कि आप पढ़ना, वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया, बहुत सारे लोग को बोरिंग लगा होगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने देखा होगा मैं उनको ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि उन तक पहुंच जाए, हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी हो जिनको मेरी जरूरत हो या मुझे उनकी जरूरत हो, ऐसे लोग तक पहुंच जाएगा, हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन हो सकता है वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आप सभी साथियों से एक निवेदन है, इससे आप अपने सभी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी, मैं जो अपना समय देना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैं जिसके योग्य हूँ वहां तक पहुंच जाए, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, अथवा उस ज्ञान का क्या मतलब जिस किसी के काम ना सके। तो वो ये ऐसा धन है जितना दादा दीजिए उतना बढ़ता है, तो बस मैं ये चाहूंगा, भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया, अगर मैंने मेहनत किया, मेरे माँ बाप ने सोचा है, तो आप तक पहुंचे उसका लाभ आपको मिले, बस यही मैं चाहूंगा। बाकी आप समझदार हैं, और भगवान करे आप सफल हो, और आप उतनी ऊंचाई तक जाए जहां से खड़े होने के बाद पूरी दुनिया आपको छोटी दिखाई दे, मास्टर ही नहीं आपको बहुत ऊंचा जाना है, बस आप अपना एम बड़ा रखें और उसके प्रति अपना जिंदगी बेस्ट दे। फिर इसी के साथ आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, और हाँ, आप फॉर्म चेक करना पड़े, शेयर करें, फॉर्म भरे, मेहनत से पढ़े, बाकी जो होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अभी आपके हाथ में जो वो करिए, भरिएगा, इसके चक्कर ना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम आपको सकारात्मक मिलने से आपका आत्मविश्वास दुगना होगा, अगर नकारात्मक किया तो सीख मिलेगा, और सीख ऐसी होगी दोबारा कभी गलती ना होगी। इसी के साथ अच्छा एक बात और, अगर फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में अगर कहीं गलती हो जाती है, फॉर्म भरने के बाद या संशोधन भी है उसके बाद, अगर फॉर्म भरने के बाद अगर आप OMR भी गलती कर देते हैं, आगामी परीक्षा हो तो वहां बाहर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर गलत हो जाता है आगे फिर मौका। इसलिए अगर OMR सीट फॉर्म भरते तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने गलती कर दी थी सीटेट में, तो यहाँ गलती करेंगे तो एक चांस आगे सीटेट मिल जाएगा, लेकिन अगर लास्ट बार गलती करते तो कोई चांस नहीं था। इसलिए आपके लिए सुनहरा मौका है, तो आप फॉर्म चेक करना पड़े, होगा जो सामने आएगा वैलिड है या नहीं, लेकिन अभी मेन प्राथमिकता है आपको पढ़ना है, जिनका बेस्ट देना है। इसलिए आप अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्त सबके लिए एक उम्मीद की किरण है, और उम्मीद की किरण इतनी दूर तक फैलाइए उससे प्रकाशमय पूरा जहां हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बड़ी को विराम देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।